अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है सिद्रा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी, हमारा जो टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, हमने वो क्लियर कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसमें हम बात करेंगे कि प्रोटीन्स के टाइप्स कौन सी हैं, प्रोटीन्स को किन बेसिस पे जो है उनकी क्लासिफिकेशन की गई है, फिब्रस पे और ग्लोब्यूलर में। अगर हम बात करें टाइप्स की, तो प्रोटीन्स की दो टाइप्स हैं। प्रोटीन्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, पहली फिब्रस प्रोटीन्स और दूसरी हमारे पास है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। अब देखिए फिब्रस प्रोटीन्स क्या होती हैं एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स क्या होती हैं। ओके जी, अब आप देखें कि वर्ड फिब्रस निकला है फिब्रल से और ग्लोब्यूलर वर्ड निकला है ग्लोब से। ओके जी, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि जो वर्ड है हमारे पास फिब्रस, ये वर्ड निकला है फिब्रल्स से, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बेसिकली जो फिब्रस प्रोटीन्स होती है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। और जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं, ये वर्ड निकला है ग्लोब से, जिसका मीनिंग है स्फेरिकल, यानी कि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं वो स्फेरिकल शेप की होती हैं और जो फिब्रस प्रोटीन्स होती हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की होती है। अब हम बात करते हैं इनकी नेचर पे कि इनकी नेचर कैसी है। जो फिब्रस प्रोटीन्स हैं वो नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं और जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं वो हमारे पास क्रिस्टलाइन होती हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि जो चीज़ें, ये जो प्रोटीन नॉन क्रिस्टलाइन होगी या कोई सा भी मॉलिक्यूल जो नॉन क्रिस्टलाइन होगा वो हमेशा इनसॉल्युबल होगा, लेकिन जो क्रिस्टलाइन होगा वो हमेशा सॉल्युबल होगा। क्योंकि जो मॉलिक्यूल या जो से भी प्रोटीन क्रिस्टल मतलब क्रिस्टलाइन नेचर को शो करती है, वो हमेशा सॉल्युबिलिटी को भी शो करती है। तो जो फिब्रस प्रोटीन्स हैं वो नॉन क्रिस्टलाइन, साथ में वो इनसॉल्युबल होती हैं। ये जो होती हैं ग्लोब्यूलर, ये क्रिस्टलाइन प्लस सॉल्युबल। हमने पीछे बात की थी, जो हमारा पिछला था उसमें हमने बात की थी, वीडियो जो पिछली थी उसमें हमने बात की थी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, पॉलीपेप्टाइड की। अब यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड कह रहा है कि जब एक से दो मरतबा पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होगी तो वो हमें फिब्रस प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर देगी, लेकिन जब मल्टीपल फोल्डिंग्स होंगी पॉलीपेप्टाइड चेन की तो वो हमें ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स देगी, प्रोटीन्स देगी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि फिब्रस प्रोटीन्स कहाँ, मतलब एग्जाम्पल क्या है उनकी, और हार्मोन्स मतलब ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की क्या एग्जाम्पल्स हैं। जो हमारे पास फिब्रस प्रोटीन्स होती हैं वो बेसिकली हमें मसल्स और कैरेटिन में पाई जाती हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि प्रोटीन्स ग्लोब्यूलर वाली वो उनकी एग्जाम्पल, तो हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज एक्सेट्रा। अब आप मुझे पूछेंगे कि हार्मोन्स का, हीमोग्लोबिन का, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, एंजाइम्स, इन सब का क्या रिलेशन है ग्लोब्यूलर प्रोटीन के साथ, बेसिकली प्रोटीन के साथ क्या रिलेशन है। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन्स का मैंने करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं ये मेटाबॉलिज्म, जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनके उनके लिए कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। बेसिकली एंजाइम्स जो होते हैं हमारे पास, ये प्रोटीन्स होती हैं। सो जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं। हार्मोन्स भी हमारे जो है प्रोटीन्स होती हैं। हीमोग्लोबिन ऐसी प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, जो कि ब्लड के अंदर पाई जाती है। एंटीबॉडीज़ को हम इसलिए यहाँ पे, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो एंटीबॉडीज़ मतलब को, जो प्रोटीन्स होती हैं वो एंटीबॉडीज़ होती हैं, और जो प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ होती हैं वो पैथोजन के अगेंस्ट काम कर रही होती हैं। तो रिव्यू में अगर दूँ, फिब्रस प्रोटीन्स जो है वो वर्ड निकला है फिब्रल से, जिसके मीनिंग है थ्रेड के, और जो वर्ड ग्लोब है ये स्फेरिकल मीनिंग की दे रहा है। नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं मतलब कि इनसॉल्युबल, क्रिस्टलाइन मीन सॉल्युबल। उसके अलावा अगर हम बात करें फिब्रस प्रोटीन, जब एक से दो मरतबा पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होती है तो वो फिब्रस प्रोटीन्स में आ जाते हैं, जब मल्टीपल फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की तो वो हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स में मसल और कैरेटिन आ रहे हैं फिब्रस के, और यहाँ पे हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज एक्सेट्रा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर हेल्प आउट करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।